दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा कॉफी लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 207 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। आज की ट्रेडिंग सेशन में 0.34% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। आज आने की कंपनी को लेकर अपडेट आई। अगर बात करें अपडेट की तो कंपनी ने यहाँ पर क्वार्टर फोर और फाइनेंशियल ईयर 2023 के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर कंपनी के उसके नंबर आए हैं। अगर अपन बात करें कंपनी की क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर को कंपेयर करें तो क्वार्टर थ्री की तुलना में क्वार्टर फोर का जो रेवेन्यू है वो 754 से 736 करोड़ रुपये घटा है, यानी 2% के आसपास गिरावट इसमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 26 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ हो गया, यानी कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर 1.43 से बढ़कर 2.61 हो गया है। अगर हम बात करें पिछले साल के क्वार्टर फोर की तो पिछले साल के क्वार्टर फोर में जहां कंपनी के पास जो टोटल जो रेवेन्यू था 663 का था वो बढ़कर 736 करोड़, यानी रेवेन्यू के अंदर 10% की तेज़ी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 40 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ हो गया है। अर्निंग पर शेयर 2.18 से बढ़कर 2.61, तो यहाँ पर हल्का सा आपको अर्निंग पर शेयर में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर बात करें ईयर टू ईयर, जहाँ फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2389 करोड़ का था वो बढ़कर 2879 करोड़, यानी 20% का जंप इसमें देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 147 करोड़ से बढ़कर 262 करोड़, 77% का शानदार यहाँ पर जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर 7.94 से बढ़कर 14.07, यानी 77% का इसमें भी आपको जंप देखने को मिला है। अगर बात करें रिजल्ट की तो ऑब्वियसली अच्छा खासा रिजल्ट कंपनी का देखने को मिला है, और इससे आपको आने वाले समय में इसमें स्टॉक में शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अच्छा खासा ये स्टॉक है। कंटिन्यूसली FII और DIIs इसके अंदर जो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, अच्छे खासे कंपनी के नंबर्स हैं, और इस स्टॉक के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर निवेश कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।